गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो मॉर्निंग हो गई, मनीषा को मैं स्कूल छोड़कर अभी जस्ट आई हूँ। मतलब हो गया 10 मिनट हो गया। और मनीषा को दिया था लंच में पूरी और आलू फ्राई कर देती हूँ, तो खा लेती हूँ पूरी के साथ ऐसा सब्जी बस। और फिलहाल मैं सोच रही हूँ, मैंने एक ब्लैक टी भी रखी, सोच रही हूँ एक बनाना खा लूँ, बनाना खाना बचाए निकल तक और फिर मनीषा खाती हूँ मैं। सो एक बनाना मैं खाने जा रही हूँ। सो फ्रेंड, दिस इज़ फर्स्ट मील ऑफ द डे, मतलब ये आज का मेरा फर्स्ट मील है। बिकॉज मतलब सुबह सुबह अगर कुछ मतलब खा लो ऐसा कुछ, या तो पहले से मैं डाइट करती थी हेल्दी फाइव मी वाली, तो सुबह सुबह मिल्क लेती थी और अभी मैं बनाना भी ले रही हूँ। सो ये बहुत और आपको जब भी आप वेट लॉस करते हैं तो ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें छोड़ के करते, तो मैं भी बस वैसे ही करती हूँ। तो मैं बनाना नहीं छोड़ती हूँ, ना ही चाय छोड़ती हूँ। अभी मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया है। सो मुझे खुद ही अभी मैं जा रही हूँ फिलहाल वॉक करने, 8 से 8:30 में आधे घंटे वॉक करूँगी, उसके बाद आऊँगी तो बनाने को नाश्ता वाश्ता दूँगी, फिर मैं भी चाय पीऊँगी। फिलहाल मैं भी लेती हूँ बनाना। और बताइए आपका दिन कैसा जा रहा है? फ्रेंड्स, मैं नहा ली हूँ और अभी मैंने गाउन पहना हुआ है कि मुझे जाना है मोनिशका को लेने। यस, और वॉशिंग मशीन लगा रखी है, घर की साफ सफाई तो हो गई है, काम करने चली गई। और मेरा ना ये स्टैंड का जो मोबाइल फंसाने वाला होता है ना, अभी दिखाती हूँ, मैं आपको सही से दिखाती हूँ। ये मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन से, तो अभी आया है, कल आया है, तो मैंने अभी इसको अटैच किया है। ये रील बनाने के लिए, वीडियोज़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये मेरा ट्राइपॉड है, बट इसका ये जो मोबाइल जिसमें मैं फंसाती थी वो टूट गया था। टूटा हुआ मैं आपको दिखाती हूँ। सो बहुत सारे मैं तोड़ चुकी हूँ, ये देखिए। सो बहुत सारे तोड़ चुकी हूँ। फिलहाल मैंने अभी इसके लिए मंगा लिया, ये लगभग 326 रुपये का मुझे पड़ा था और काफ़ी अच्छा है। सो दैट्स इट, ये मुझे बताना था आपको। और अब मैं इस पर बनाऊँगी अपनी रील वगैरह जो भी है, क्योंकि मोबाइल हाथ में लेकर ना बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ओके मैं बना रही हूँ अपने लिए, मैं कर्ड सैंडविच बना रही हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट में। और वॉशिंग मशीन चल रही है, और वॉशिंग मशीन यहाँ पर ही है बालकनी में, जो कि एकदम मेरे किचन के बाहर है। तो इस वजह से वॉशिंग मशीन की पूरी आवाज़ आती है, तो इसलिए मैं उधर चली गई थी। और ये बन रही मेरी कर्ड सैंडविच, जिसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाया, बट मैं थोड़ा सा इसमें लगाऊंगी घी और कुछ नहीं। और तो मैं अपनी सैंडविच में थोड़ा सा घी लगाऊंगी, और मैं दोनों नहीं खाने वाली, बट मेरा ये जो बैटर था ना, मतलब मैंने कुकुम्बर और कर्ड, कुकुम्बर ऑनियन का बना रखा था मिक्सचर, बैटर नहीं मिक्सचर, वो बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो आज मैं अपने लिए यही बना लेती हूँ। और सुबह की वॉक भी की, रात की भी वॉक कर ली, और बस। तो अभी थोड़ा ऐसे ही चल रहा है डाइटिंग वाइटिंग, और सो वर्कआउट भी। साइड में दूध चढ़ा रखा है, दूध बॉयल हो जाए तो फटाफट से सैंडविच लेकर सैंडविच लेके जाएंगे और खाएंगे। फिर ब्रेड का पीछे वाला पार्ट होता है ना, 1 मिनट। यस, तो जो पीछे वाला पार्ट होता है ना, देसी घी ऐसे बिना सीखे देसी घी लगाकर खाने में बड़ा मजा आता है। तो ये मैंने लिया, और ये इसमें कर्ड, तो इसमें ना ये थोड़ा सा घी हल्का सा ऐसे लगाया, और इसको ना बस ऐसे फोल्ड किया बिना सीखे। इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसको मैं स्किप नहीं करती हूँ। ये ब्रेड दिख रही है। सो फिलहाल मैं इसलिए खा रही हूँ, एक ही सैंडविच खाऊंगी, फिर दूंगी हो सकता दोपहर वगैरह में खा लूँगी। सो अगर मैं इस तरह से खाती हूँ, सैंडविच एक ही रखती हूँ, और इसको खाने में कोई बुराई नहीं है। वैसे तो ये ब्राउन ब्रेड है और साथ में थोड़ी सी देसी घी है। देसी घी तो हमारे घर के लिए अच्छा ही होता है, अगर क्वांटिटी लिमिट में ली जाए तो फटाफट से सैंडविच बनाते हैं। फ्रेंड्स, माय कर्ड सैंडविच इज रेडी। तो अब जल्दी से फटाफट खाएंगे, और टाइम हो गया है 11:04। अब मुझे जाना है, मनीषा की छुट्टी हो जाती है 12 बजे 12 o'clock पे। सो फटाफट से खाएंगे और फिर रेडी होगी और फिर जाएंगे। तो मिलते हैं। यम फ्री है, और हम लोग लेते हुए ऐसे आइसक्रीम बहुत ज़्यादा नहीं लेती हूँ, क्योंकि हमारी फ्रिज जो है ना वो थोड़ी गड़बड़ हो गई है। तो हमने ये ली है संडे, ये संडे है, छोटी छोटी ली हूँ, मनीषा खाएगी। और ये भी है मैंगो फ्लेवर, ये एकदम बढ़िया वाला मैंगो है, क्या है, चिल्स मैंगो, ओनली चिल्स मैंगो। तो ये ली है 4, और ये वाली ली है 3, फ्रीज़र में मतलब हमारा फ्रीज़र का जो डोर है ना वो टूट गया है यार, तो इस वजह से इतनी ली है कि बस फिनिश हो जाए। आ रही हूँ बेटा, इसको रख दूँ, बस आ रही हूँ बेटा। ये आपकी आइसक्रीम रख दूँ, नहीं तो मेल्ट हो जाएगी। तो ये मैंने रख दिया है और ये बहुत जल्दी इसका जो डोर है ना वो बिल्कुल ख़राब है, तो मेल्ट हो जाता है इस वजह से। तो मैंने रख दी है और ये रख दे रही हूँ। संडे इज अ फन डे। ओके डन। काबू के लिए एक नारियल पानी था, मतलब उस दिन लेकर आई थी मैं सैटरडे को, तो बचा हुआ था तो मोनिशका। अच्छा बाबू आ रही हूँ। मोनिशका भी थोड़ा सा बचाया तो वो मैं पी रही हूँ। बन गया है दोपहर का लंच। में बनाई है मैंने अरहर की दाल तड़के वाली, यस, एंड बनाई है लौकी की सब्जी कुकर में, बिकॉज लौकी 2 दिन पुरानी हो गई थी, 2-3 दिन इसलिए मैंने कुकर में सीटी लगा दी ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। राइस बना लिया है, अभी बर्तन में से सारे रखने हैं, अंदर लगाने हैं। और मैं पी रही हूँ थोड़ा सा गुआवा का जूस। ये छोटू सा ग्लास है, इस ग्लास में थोड़ा सा गुआवा का जूस पी रही हूँ। आई नो शायद इसमें शुगर बहुत ज़्यादा एड ऑन होता है, बट मैंने चलो थोड़ा सा रखा है तो थोड़ा सा पी लेती हूँ, तो सही पी रही हूँ। मॉर्निंग में मैंने बनाई थी पूड़ियाँ, वो उसमें बची हुई है मेरी। एक सैंडविच भी देखिए रखी हुई है। मोनिशका वहाँ पर बैठ के मैगी खा रही है, उनको मैगी खाना था, तो देखिए ये खा रही है मैगी। बूंदी का रायता जो है बनाया था तो बचा हुआ, मैं सोची आज मैं एक कटोरी खा ही लेती हूँ। तो ये रायता खाऊंगी, थोड़ा सा दाल चावल है, पनीर की सब्जी है, तो देखती हूँ अगर ठीक होगी तो थोड़ी सी खा लूँगी। 2-3 दिन पहले बनाई थी, गर्म करी है माइक्रोवेव में, ठीक लगेगी तो खा लूँगी। देखो राइस ले लिया है और उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ तड़के वाली दाल। और आज यही खाना खाना है मुझे, साथ में लौकी की सब्ज़ी और रायता। थोड़ी सी मिर्ची का अचार लिया है और घी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने सुबह और सैंडविच में घी खाई थी, इसलिए बस अब चलते हैं और अपना लंच करते हैं। स्टार्ट कर दिया। वाह, अब पापा खिलाएंगे। वाह, मम्मा कोई नहीं खिलाएगा, मम्मा को दिखाएगी। थैंक यू। सो फ्रेंड, गुड इवनिंग। सो फ्रेंड, शाम का टाइम है और मोनिशका को खाना था आलू वाला सैंडविच। सो मैंने बनाया, आलू बॉईल किए, फिर आलू में सारी चीज़ें डाली, फिर मैंने ग्रीन चटनी भी बनाई, अभी फ्रेशली ये चटनी बनाई, बहुत टेस्टी लगती है। पता है मोनिशका को इस समय आलू वाली सैंडविच ही पसंद आ रही है, तो उनके लिए आलू वाली सैंडविच। और उनके पापा को दे दिया है दाल और चावल, नानी के नानी आलू का परांठा, तो ये हो जाएगा डिनर। बस मेरी और मुझे जो है अभी कुछ भी नहीं है। मैंने चाय पी है पर मैं चाय अच्छे से पी नहीं पाई, तो अभी मैं फिर से पीऊँगी थोड़ी सी चाय, क्योंकि बिल्कुल भी यही सब करने के चक्कर में चाय नहीं पी पाई शाम वाली, अभी थोड़ी सी पीऊँगी चाय। बस मैं डिनर में कुछ नहीं करने वाली। मेरा पेट में बहुत भरा भरा सा लग रहा है, सो इस वजह से बस बैकग्राउंड में आपको सुनाई दे रहा होगा मोनिशका ने टीवी बहुत तेज चला रखा है। आप कब चाय मैंने ली है, नानी को बना के दी थी, और ये किचन को देखिए कितना गंदा हो गया, अभी इसको क्लीन करूँगी। बस ये है कि 8 बजे तक सबका खाना हो गया है कंप्लीट, और मैं तो थोड़ा सा जो मेसी है उसको क्लीन कर लूँगी और फिर मोनिशका को थोड़ा पढ़ा कर फिर जाऊँगी वॉक करने। तो बस मैं ये खा रही थी, थोड़ा सा बहुत टेस्टी है, हल्दीराम का क्लासिक गपशप पीनट से स्पाइसी कोटेड पीनट। काफ़ी अच्छा लगा यार मुझे, इसमें जैसे पीनट दिख रहा है ना आपको एकदम कोटेड वैसा ही है। और मोनिशका भी टीवी ऑन कर रखी है तो बहुत शोर है, मैं अभी आपको इसको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसकी कोटिंग जो है कितनी बढ़िया है ना, ऐसे ही, और टेस्टी भी काफ़ी लग रहा है। थोड़ा सा मैंने ले लिया आपके खाने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है, इसका शेप कितना प्यारा है ना। मैंने अच्छे से कोटिंग करके ये फ्राई किया होगा, बहुत अच्छा है। नाचो नाचो नाचो, ये डांस कर रहे हैं सब, सब डांस कर रहे हैं। निकाल दिया नानी का खाना। वाइज गुड मॉर्निंग। और आज मैंने बनाया सॉरी से आ रही है बहुत ज़्यादा। सो आज मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में बनाया था पनीर का पराठा, वो मैं खा रही थी तो मुझे याद आया कि मैंने सॉरी बहुत ज़्यादा खांसी है। छोटू सा पराठा बनाया था, बच गया था तो इतना बड़ा सा था वो मैंने खा लिया। कपड़े लगा रखे हैं, इस्लामाबाद फूड में है। और अभी मैं जा रही थी मेथी साफ करने, मेथी साफ करके रख लूँ हो सकेगा तो कल सुबह मेथी के पराठे बना लूँगी, फिर सुबह हो नहीं पाता ना, इसलिए अभी करके रख लेते हैं। और अभी जाना है मोनिशा को लेने। कल जो है बना रखी थी, कल बनाई थी पनीर की सब्ज़ी। कल शालू और सोनम आए थे, मतलब छोटा वाला भाई, दोनों बच्चे। कल बनाया था खाना थोड़ा सा, मैंने इसलिए बैठ की क्लिप बनाई थी तो वो मैंने एक वीडियो में डाल दी थी लास्ट ब्लॉग में। तो पनीर की सब्जी बनाई थी, सब्जी बची हुई दोपहर में वही यूज़ करेंगे, सिर्फ दाल बनाऊंगी, राइस भी बचा हुआ है सुबह। सभी चलते मेथी साफ करते फटाफट से। तो गाइस मोनिशका आ गई है और हम लोग, हाँ लाइट ऑन कर दी मैंने, और हम लोग कुछ शॉपिंग करते हुए आए थे। मोनिशका को चाहिए थी वाटर बॉटल, तो मैंने भी घर के लिए थोड़ी सी बॉटल ले ली। और मैंने मिल्टन की 3 बॉटल्स ले ली है, अच्छी लग रही थी मुझे। और जैसे कि कभी कभी कोई आता है तो ठंडा पानी की डिमांड होती है कभी कभी, तो फिर फ्रिज में रखने की। बेटा जमीन पे गिरेगी तो टूट जाएगी, दिखा दो आप ही। और मुझे मिल्टन की बॉटल, इसकी राय पर जो पन्नी है ना उसकी चुराहट इतनी ज़्यादा हो रही है, अच्छी लग रही है ना। उसको नहीं यूज करते, वो दवाई होती है जिससे कीड़े मर जाते हैं, उसको सिम डाल दो, फिर मैं फेंक दूंगी। बेटा फेंकोगी क्यों, दवाई में? अरे तो उसमें पानी भरेंगे तो दवा मेल्ट हो जाएगी, तो फिर हम हो जाएंगे। चलो बंद कर दे। अच्छी है ना, अच्छी बॉटल है। तो ये हो गई 3 बॉटल। और मोनिशका ने अपने लिए वाटर बॉटल ली है, वो भी दिखा दो बाबू। सबसे पहले क्या दिखाऊंगी, चॉपस्टिक। यस, मोनिशका ने स्टील की चॉपस्टिक ली है, काफी अच्छी मिल गई है हमें चॉपस्टिक का डिजाइन। दिखाना बेटा, सबसे चला के दिखाना। वाओ, अंकल को? कौन से अंकल को दिखाना है? खिड़की से मैंने अंकल को क्या देखा। वाओ ब्यूटीफुल ना, आप चला लोगी। चलो अब जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन बनाऊंगी नूडल चाउमीन, तो आप उसी से खाना। अब दिखा दो मुझे, मैं दिखाऊं। अच्छा लग रहा है बिल्कुल, मतलब ब्यूटीफुल सा है डिजाइन। मुझे चलानी नहीं आती, आप सिखा देना मुझे। हाँ छोटा करना है, वो नीचे वाले साइड को बड़ा करना है, आपको होना फिर ट्राई करना। ओह वाओ, आपको आती है वो। कहते हो नेक्स्ट दिखाओ क्या लिया आपने। और इन्होंने स्ट्रॉ लिया, मतलब 4-4 लेने कोई मतलब नहीं था, पर 4 का ही सेट आता, इनको एक ही चाहिए था, पर 4 का सेट मिलता है तो फिर 4 लेने पड़े, जो कि 4-4 कलर के वैसे बहुत पुराने हो गए थे अभी तक। वाओ ब्यूटीफुल, इसमें आइसक्रीम बनी हुई है और सब में आइसक्रीम बनी है ना। वाओ वो भी कोन वाली, इसमें उल्टी है क्या? नहीं सीधी है। सो प्रिटी ना, सारे कलर बहुत प्यारे हैं, येलो ग्रीन पिंक एंड पर्पल बहुत सुंदर लग रहा है ये वाला। और आइसक्रीम जो है सबसे सुंदर कौन सी लग रही है? मुझे सबसे सुंदर ये और ये, मुझे सारी लग रही है। अच्छा और क्या लिया आपने अपना, दिखा दो। सारी लग रही है, अब मैं दिखाऊंगी। शानदार बॉक्स, इतने सारे इनके पर बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स बनना, लेकिन इनको जिद करके इन्हें बॉक्सेस लेने थे तो फिर और बॉक्स, मतलब इतने सारे मैं दिखाऊंगी इनके, बहुत सारे बॉक्सेस हैं, मतलब इतने हैं इनके अकेले के लिए, फिर भी इन्हें बॉक्स लेना था तो इन्होंने, यार मेरा गला बहुत खराब है। तो ये है बॉक्स, इन्होंने एक बार स्टील का लिया, वो लोहे वाला जो नहीं आता ज्योमेट्री टाइप का वो लिया है। पापा को तो बिल्कुल नहीं पसंद, तो आप लोगों को क्यों दिखाऊं? मुझे ये वाले नहीं, ये क्वालिटी मतलब प्लास्टिक के ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि वो खूबसूरत आते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं। इसको नहीं रखना है ठीक है, ये सिर्फ पेंसिल दी हुई है इसलिए ये फंसा, इसको रखना नहीं है इसमें, ये सिर्फ राइपर है, इसको फेंकना है ठीक है। ये है आपका ठीक है, और ये सिंपल सा बॉक्स है, बट थोड़ा इसकी साइज जो है ज्यादा है तो अच्छा है ना। चलो अब इसको आप रख सकती हो, पेंसिल शॉर्पनर तो बहुत छोटा है। चलो नेक्स्ट दिखाते हैं क्या लिया आपने। स्ट्रॉ का कलर कितना प्यारा लग रहा है। अब हम लोग सब लोग स्ट्रॉ से ही पियेंगे। क्या हुआ, हम लोग नहीं पी सकते चाय? मुझसे मत पीना, चाय थोड़ी पीऊंगी इससे। ओह माय गॉड, इससे चाय पियेंगे, मुंह जल जाएगा हमारा। वो भी जल जाएगा। मोनिशका को लग रहा है कि हम लोग इससे चाय पियेंगे, चाय नहीं पियेंगे बेटा। वाह, अब चॉपस्टिक से ऐसे नहीं खेलते। अच्छा अपनी बॉटल दिखा दो, फिर मैं खाना वाना निकालू, नानी को दूँ। बॉटल नहीं है सिर्फ, हाँ और क्या है, बस सिर्फ बॉटल ही तो बची है। बॉटल बहुत प्यारी मिल गई इस समय, बहुत अच्छी, थोड़ी मतलब ठीक ठाक प्राइस में, कॉस्टली है, अच्छी बट बहुत अच्छी बॉटल है। मैंने ये भी लिया इसके साथ। खुलेगा? ले लिया लेकिन मुझे अरे इसको दबाओ, इसको पुश करो आगे की तरफ, इसी को ऐसे। अच्छा हाँ हाँ वेरी गुड। हाँ अभी नहीं, अभी इसको वॉश करना है ना बेटा, है ना। अच्छी है ना, उसका डिजाइन तो दिखा दो, अंदर से भी बहुत अच्छी है। आपका ठंडा भी रहेगा पानी, गर्म डालेंगे तो गर्म रहेगा, ठंडा डालेंगे तो ठंडा रहेगा। और इसका डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा था। मम्मा आप देखो कि क्या बचा है, बहुत छोटा सा है। क्या बचा है? कुछ है क्या अभी भी? मुझे लगा खत्म हो गया है। अच्छा पेंसिल, ओनली वन पेंसिल। पेंसिल बहुत है आपके पास इसलिए मैंने नहीं ली। आपने पेपा निकाल दिया सिर्फ। तो दिस इज द शॉपिंग फॉर मोनिश्का। ये मोनिश्का के लिए शॉपिंग थी, बस मैंने बॉटल्स ले ली जो कि थी नहीं। अब इसको ऐसे निकालेंगे फिर। बाबू ये हम लोग बचपन से यूज कर रहे हैं, पता है आपको? ऐसे हाँ, ये हम लोग की बचपन से आ रही है। आराम से, आप खाना नहीं खाती ना बेटा, तो आपके अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं है ताकत नहीं है, है ना। खाना खाओगी ना अच्छे से, जो घर में खाना बने वो खाना चाहिए, नहीं तो फिर आप स्ट्रांग नहीं होते हो, आप वीक हो जाते हो। दो में लगा दो, चलो फटाफट से खाना देते हैं। ये देखो लग गई, ना लगे तो ऐसे करके ऐसे पुश कर दो, ठीक है। चलो स्ट्रांग, वाव, ऐसे पकड़ो, आपका फोटो खींचो। बहुत सारे क्रेप्स हो गए हैं, ये सारे ये पड़े हुए हैं। अभी बड़े कुछ हमने वॉश करके रखे, जैसे पुराने भी थे थोड़े से, जो यहाँ से ख़राब हो रहा है करके। बहुत सारे क्रेप्स हैं यार, क्या किया जाए। सोच रहे इसका जूस ही बना लेती हूँ, देखती हूँ, ट्राई करती हूँ ना। एक ग्लास उसके भला से ये देखती हूँ। अभी मैं फिर से जा रही हूँ, आवाज़ निकालूँगी। इस बार आपको दिखा देती हूँ। अभी मैं इसका देख रही हूँ कि इसमें कुछ और बचा हो तो निकल जाए। मेरा जो ग्रेप्स का जूस है वो रेडी है। मैंने इस तरीके से इसमें ग्रेप्स पे लगा दिए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है इसका जूस। देखते हैं पीने वालों को कैसा लगता है। सो लेट्स ट्राई। नानी लीजिए अंगूर का जूस, अंगूर का जूस। लो पापा लाइट, लो आपके लिए ग्रेप्स का जूस। नहीं आज पीना पड़ेगा। अच्छा नहीं 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 अब इतना सारा ग्रेप्स खाओगे नहीं तो पिलाएंगे ना। पियो देखो। अच्छा नहीं बाबू, तो नमक मिला दूं थोड़ा सा, मीठा नहीं है। सबको खट्टा लग रहा है तो नमक मिला रहे हैं बस। ये है हम चम्मच नहीं, नमक वो है, अंगूर है। खट्टा है क्या? नहीं एकदम बाबू, पता है लाई थी मैं। कोई बात नहीं, अब ग्रेप्स कैसे खत्म होगा। अरे यार तू खा लेते यार नहीं खाओ मत, पियो। हम के लाओ आज जूस ट्राई करते हैं। ये एकदम अच्छा तो लग रहा है मुझे एकदम अच्छा लग रहा है, पियो। नमक डाल के सही लग रहा है ना तो सबको दे दिया ग्रेप्स का, सबको दे दिया ग्रेप्स का जूस। और मैं बनाने जा रही हूँ मेरी ग्रीन टी। नानी ने चाय की मना कर दिया था, तो मैंने सोचा कि नहीं अब आज मैं ग्रीन टी पीती हूँ। और चाय थोड़ा अवॉइड अगर कर सकती हूँ तो करूँगी, क्योंकि वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चाय। तो अभी मैं जा रही हूँ तुलसी जिंजर ग्रीन टी पीने। पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, गर्म हो जाए। मेथी पालक का तड़का लगा दिया है, साफ करके पहले ही रख दिया था, सुबह ही तड़का लगाकर इसको ग्राइंड करके, और मैं इसमें इसको आटे में गूंथ के रख दूंगी। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो जाएगा और रात में कोई भी डिनर नहीं करेगा, सो इस वजह से। और मोनिष्का को सिर्फ खिलाना है तो मैं इसी को पराठा खिला दूंगी, बाकी कोई नहीं खाने वाला है, हम लोग डाइट पे ही है, नानी खाएंगी नहीं। और वैसे तो मैं चाय पीने नहीं वाली थी, पर मम्मी पापा आए हुए हैं तो मोनिष्का जी यहाँ पे खा रही न्यूटेला, तो बस चाय बनाई थी तो मैंने थोड़ी सी अपने लिए ले ली है और मोनिष्का को दे दिया है मोबाइल कि जाके थोड़ा सा वीडियो शूट कर लो। नानी नाना देखिए कितने सब लोग सीरियस मूड में बैठे हुए मम्मी पापा, और ये तो हमेशा अपना फेस को कवर करते हुए। सो यहाँ पे ये मोनिष्का को फ्लाइंग किस दे रहे हैं। देन उसके बाद मैं अपनी चाय लेकर आई, थोड़ी बहुत बातें की मम्मी से, बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकी थी, 1-1.5 घंटे रुकी थी। फिर उन्होंने नानी की मालिश की, नानी के सिर में तेल लगाया, नानी की थोड़ी मालिश की। चले गए, रात हो गई है और बस मिलने आए थे इनसे। सो दैट इज माई ब्लॉग, आई होप को बस मैं ब्लॉग को एंड करने जा रही हूँ। सो दैट इज माई ब्लॉग, आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। पता नहीं आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सॉरी खांसी नहीं सही हो रही यार, क्या करूँ बताइएगा जरूर। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मेरे वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड नाइट।